आइए हम आगे देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमारा जो चार्ज था ये डाइपोल है, ए पे माइनस क्यू ए और बी पे प्लस क्यू ए, पहले हमने चार्ज को यहाँ रखा हुआ था ठीक है एक्सियल लाइन पे एक्सियल की वजह से, लेकिन इक्वेटोरियल के हिसाब से हमने यहाँ रख दिया, मतलब इसके परपेंडिकुलर हो गया, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस सेंटर जो है हमारे पास में सेंटर है, इससे इसकी डिस्टेंस है हमारे पास में आर, इस सेंटर जो है इसकी डिस्टेंस हो गई आर, ये पॉइंट अपने बी मान लिया जहाँ पे चार्ज को रखा हुआ है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये आर है और ये एल है, तो पाइथागोरियस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं कि ये निकालेंगे, अगर हम ए पी निकालेंगे तो ए पी का स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ओ पी ए कितना है आर का स्क्वायर और ओ ओ ए कितना है एल का स्क्वायर, तो ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में अंडर रूट आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया। इस तरह से आप ये वाला निकालेंगे तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसको मान लेंगे वी वन, तो वी वन कितना हो जाएगा क्यू माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आया था कि डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। प्लस क्यू चार्ज की हम बात करेंगे तो प्लस क्यू चार्ज के लिए भी हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की सेम है ठीक है, इसके लिए माइनस कर देंगे इसके लिए प्लस कर देंगे ठीक है। अब नेट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो माइनस क्यू ओपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रूट में है, और प्लस क्यू ओपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। अब यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, बस ये माइनस है और ये प्लस है, तो कट जाएगा और जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि एक्सेल के लिए हमारे पास में आया था पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल के लिए कितना है जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों डिस्कशन से, जब एक्सेल और इक्वेटोरियल दोनों डिस्कशन से, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है एक्सेल के लिए तो आ रहा है लेकिन टाइप वैसे इक्वेटोरियल के लिए नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है जीरो, लेकिन यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया जीरो हो गया। अब जैसे हमने सेंटर की बात की थी, जैसे हमने ये सेंटर निकाला था, सेंटर एज अ डाइपोल, इस पर हमारा जीरो आया था ठीक है, इस पर हमारा जीरो आया था, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया सेंटर पे पोटेंशियल और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल दोनों के लिए क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। लेकिन मतलब देखिए वी कंक्लूडेड डैट सेंटर पे डाइपोल है और इक्वेटोरियल पे डाइपोल है वो जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एग्जिट करेगा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा ठीक है। तो ये एक नोट देने वाली नोट वाली चीज़ है ठीक है। तो ये आपका ख़त्म होता है इक्वेटोरियल, और हमने पहले वीडियो में हमने एक्सियल के बारे में पढ़ लिया था, तो ठीक है ओके थैंक यू।